ये बड़ी कंफ्यूजन है कि हमारी कहते हैं कि जब आपकी सुबह अच्छे से शुरू होती है तो आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छे से बीतता है और मैं भी इस बात में विश्वास रखती हूँ। इसलिए सुबह उठकर अपना सबसे पहला काम वो करें जिससे आपको लगे, जिससे आपको 100% पॉजिटिव फील आए कि ऐसा करने से मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा, तो आप वही कीजिए। देखिए, हर किसी का जीवन अलग है, हर किसी का दृष्टिकोण अलग है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, यानी कि दिनचर्या अलग है। हमारा जो रूटीन है वो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों से भिन्न होगा या कईयों का बिल्कुल हमारे जैसा होगा। तो जैसा हमारा लाइफस्टाइल होता है ना, हमारा दिन भी उसी तरीके से और हमारी सोच भी उसी तरीके से डेवलप करती है। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ना, हमारे मम्मी पापा भी हमसे कहते थे कि बेटा सुबह उठ के पढ़ा करो। सुबह जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है। वो किस लिए कहते हैं, क्योंकि रात भर जब हम सो जाते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितने भी पूरे दिन की थकावट होती है, किसी की गलत सलत बात होती है, किसी की बात हमें हर्ट कर जाती है, वो सब सोते टाइम हमारे दिमाग में डिसॉल्व हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। और हम जो अपने दिन की, हम अपनी सुबह की जो शुरुआत करते हैं ना, वो एक फ्रेश माइंड के साथ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़, जो भी नेगेटिविटी आप एक दिन पहले अपने दिमाग में लेकर सोते हैं, जब नई सुबह होती है, एक नया दिन निकलता है, तो आप भी एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण से अपना दिन स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, हमारे अंदर फुल ऑन पॉजिटिविटी हमें फ़ील होगी, और जब हम पॉजिटिव फील करते हैं ना, तो हमारे ऑरा के अंदर जितने भी लोग होते हैं, यानी ऑरा होता है आपके आसपास का जो एक वाइब होती है ना एक ह्यूमन की, वो वाइब सभी लोगों के साथ कनेक्ट करती है। तो कहते हैं ना, जब आप एक पॉजिटिव ऑरा के बीच में रहते हैं तो आप खुद ब खुद पॉजिटिविटी फील करते हैं। तो अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाइए कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर रहे, और जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है वो दूसरे लोगों के पास जाए और आपके साथ कनेक्टेड फील करे। देखिए, नेगेटिव होने के हमारे पास बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया, हम नेगेटिव हो गए, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हमारा पूरा दिन नहीं बीता, हम नेगेटिव हो गए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें रीज़न नहीं होती हैं। किसी भी गृहस्थी में बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नेगेटिव कर देती हैं। ज़्यादातर जो जॉइंट फैमिली वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है एक दूसरे के प्रति। वो सिर्फ आपकी बिहेवियर, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ही आती है। आपकी अपेक्षाएं जो होती हैं ना, एक्सपेक्टेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी वजह से आती है। जब आप अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेंगे, तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे। आप जब इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, बस आप अपनी ड्यूटीज़ करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। आई एम श्योर कि ये मेरी बातें ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो आपकी लाइफ में या आपके दिन में थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी भरेंगी। उम्मीद तो देखिए मैं यही करती हूँ, आगे आपकी मर्जी। इतने रेडी हो रहे हैं ना, इतने वो कर ले,
नहाया जाओ 5 मिनट में। भूल लग गया, तड़का लग गया, सब्जी लग गया, तड़का। आज स्पेशल है सांभर और इडली, सरसों मां स्पेशल। इडली में तड़का लगाओगे? इडली में तड़का लगाऊंगा मैं सांभर में। अच्छा ऊपर से लगा? अच्छा सांभर उसमें लग गया चटनी में। कौन चटनी? अरे वाह, पर मम्मी हम तो खा ही नहीं सकते, इसीलिए तो तुमने इसलिए तो बनाया है। सफाई, चेन निकाल ली, भैया की चेन पहनी हुई थी। बुनो, हो रही है सफाई? अच्छा करते रहो, करो करो करो, डस्टिंग करो। किसमें बिजी हो गई है लोग? बाबू किसमें बिजी हो गए हैं आप? फोन ले ले सी। अच्छा इधर आ भैया। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना बशीर स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा अधीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो मंदिर होकर हम आ गए हैं, नाश्ते में मैंगो शेक पिया है मैंने, थोड़ा सा बहुत कम चीनी वाला, अगर ही मैं निकल गई है बुटीक। और आज मैंने पहनी है ये साड़ी, पहले तो मैं अपनी साड़ी की थोड़ी सी तारीफ कर दूँ। 3 शेड्स हैं इसमें, पीच पिंक और ऑरेंज, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। अब जैसे फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, क्या हुआ आज नहीं, आज सैटरडे है, आज तो उसके लिए परफेक्ट है। इसका लिंक मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया है। ये बेल्ट है, इसके बॉर्डर में से मैंने बनवाई थी, ब्लाउज पे दे रखा था ये बॉर्डर, तो मैंने कट करवा के इसके नीचे पेस्टिंग लगवा के ये बेल्ट लगा बनवा ली। उसे क्या है, थोड़े से ना लुक एनहांस हो जाता है हमारी साड़ी की लुक का। तो अभी जो थोड़ा सा मैंने व्लॉग अभी सुबह में शूट किया, फिर बाकी का व्लॉग मैं दो रात मतलब डिनर टाइम पे शूट करूँगी, नहीं तो फिर शाम का रह जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फेस पे तो मैं कुछ नहीं लगा रही, कुछ भी, बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ सुबह उठ के नहा धो के, वो भी बह जाता है पसीने में, मंदिर जाते हैं ना तो सब बह जाता है। कलर सुंदर है साड़ी का, नो डाउट। तो चलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला व्लॉग। ऐसे मत देख मुझे प्यार हो जाएगा, समायरा मुझे देख लिया है। तो ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ आप सभी लोगों के साथ। सब पैकेट परी इधर आ। जो उस दिन दीदी ने मंगवाई थी डैडा से, बड़े डैडा से, जब बोल ले ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो डैडा, जा पॉपस्टिक्स कर दो इनके लिए पूरा पैकेट, खाते रहेंगे धीरे धीरे, बर्फ का पानी तो होता है वो मीठा। ग्रेवी वाले सूखा नहीं खाना यार, आइस पॉप, मुझे लगा पॉपस्टिक्स होती है। वो बारिश का नाम मत लो, मैंने गलती से ले लिया, फिर वो होएगी। जो ऊपर इडली लेकर गया है ना उसे ऊपर ही रहने दियो। हाँ ठीक है, ओके, पुराना है ना वो। हाँ मैं कई बार सुबह सुबह शाम में खुद ही बनाती हूँ, मैं ले रही ना मसाला वाला। ये वहाँ पे इतनी दौड़े हैं किनारे मेरे सामने, ऊपर दिल्ली के सामने मुझे बना रखा हुआ है, उसमें पानी पानी में नहीं हमारे ये लोग क्या भैया को खाएंगे कि मुझे लगता है सैटरडे है आज का, तो सही लग रहा है। यहाँ देखियो, यहाँ मैं इसे सिखा रही हूँ कि कैसे। हाँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इतने सारे लोगों को देखा है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू
यू नो हाउ टू मेक इट क्लियर. देखो ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा फ्रेम है फोन का, है ना, जहाँ ये ग्रीन लाइट आ रही है अभी हम देख रहे हैं फोन में. अभी मैं ठीक देख रही हूँ? मुझे नहीं, तू गलत देख, अभी तो देखो, देख जैसे हम देख रहे हैं अभी, हम देख यहाँ, देख जहाँ हम दिख रहे हैं ना, हाँ. वहाँ देखेंगे तो जो लोग हमें देख रहे होंगे ना उनके लिए हम टेढ़ा देख रहे हैं, उनके लिए हम साइड में देख रहे हैं, लेकिन जब हम इसमें कैमरे में देखेंगे ना तब हमारा ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनता है. अब मैं सर कैमरे में देख रही हूँ, अब आप इसको देख, इसको ही देख, ग्रीन लाइट को देख, ग्रीन को, जब हम ग्रीन लाइट को देखते हैं ना, फिर जब तू स्क्रीन पे देखेगी ना अपनी इस वीडियो को तो फिर आई कॉन्टेक्ट बनेगा. ठीक है ठीक है. लेकिन समटाइम्स लोग इतने ऑब्सेसिव होते हैं खुद को लेके, लाइक यू, वो अपने आप को स्क्रीन पे देखते हैं. हाँ जी, तो यहाँ से एक छोटी सी बात शेयर करनी थी मेरे को गरिमा को. एक लेडी है, एक नहीं दो तीन है, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहे, पर उन्होंने ना, उनको ये बड़ी कंफ्यूजन है कि हमारी दो किचन है, एक ऊपर की एक नीचे की. क्या हमारी दो किचन है? हाँ जी, हमारी दो किचन है. दो किचन है, एक नीचे वाले पोर्शन की है, एक ऊपर वाले पोर्शन की है. ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती हूँ तो वो मेरी किचन है, नीचे वाले पोर्शन में गरिमा रहती है तो नीचे गरिमा की किचन है. लेकिन हमने कभी अलग खाना नहीं बनाया, हम एक साथ ही खाना बनाते हैं. ब्रेकफास्ट हमारा नीचे बनता है सबका एक साथ, लंच सबके लिए ऊपर बनता है, और फिर डिनर कभी नीचे, मोस्टली नीचे बनता है. कभी कभी क्या होता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मम्मी नहीं है तो दीदी कहती है ऊपर ही आ जाओ, ऊपर बना लेते हैं, तो कभी कभी ऊपर ही बन जाता है. और सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा कुक बनाता है, मैं नहीं बनाती, ना मैं बनाती ना गरिमा बनाती, ड्यू टू सम जो टाइम का मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है. सुबह सुबह इसको बुटीक जाना होता है, मेरे तीन बच्चे हैं मैं उनमें लगी रहती हूँ, तो मम्मी ने सॉर्ट कर दिया है कि सुबह कोई भी खाना नहीं बनाएगा, वो कुक बनाता है, और दोपहर का खाना मैं बनाती हूँ, शाम का गरिमा बनाती है. हाँ दो किचन है लेकिन हम काम एक ही जगह करते हैं, या तो ऊपर या नीचे, नॉट अलग अलग. बस यही बात शेयर करनी थी. जो तो हमारी ड्रॉअर में मिला पीकू का ये पाउडर है भाई, है भाई, है ऐसे किया. और जब पीकू का सिपर ना मिले, ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे, फिर हमें तो बोलेगी ना भाभी एक बार मैं ड्रॉअर में देखती हूँ. अच्छा देख वो उस वाले म्यूजिक पे डांस करो, जो चाची ब्लेंडर चला रही है उस पे डांस करो, जाओ डांस करके आओ, डांसी डांसी करो, डांसी करो, डांस करो. अभी बोलो मम्मा अभी मेरा मन नहीं है ना. तेरे को पता है ना कितना गुस्सा आता है मुझे, हिल जाता है इंसान, भूकंप आ जाता है. को क्या मालूम था कल मैंने क्या बना कर दिया था, आलू पराठे आपको 25 मिनट डाला नहीं, लेकिन मैं बुरा मुझे नहीं पता. ये कहना चाहता है इसने मेरे को आलू के पराठे बना के खिलाए कल, तू नहीं दी, ये कहना चाह रहा है ये. तो जी यहाँ पर गरिमा छोंक रही है मारवाड़ी मिर्च, जिसके लिए लिया है मोटी वाली मिर्च होती है ना, जो थोड़ी कम तीखी होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा तीखी वाली फिर बच्चे नहीं खा पाते, ये वाली बच्चे भी खा लेते हैं. मसाला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो राई होती है, अमचूर पाउडर होता है, सूखा धनिया होता है, सौंफ होता है, इसको अच्छे से हमने पीस लिया. तो ये ज़्यादा बनाया क्योंकि हमारे घर में मेनली ये बनती रहती है डिनर के टाइम पर ना, थोड़ी सी क्वान्टिटी में बनाते हैं ताकि साथ के साथ ख़त्म हो जाए, ये ना गर्म गर्म ही अच्छी लगती है. तो पहले नारियल तेल, वो सॉरी मूँगफली का तेल लिया था, क्योंकि और गरिमा भी सावन के व्रत में ना सरसों का तेल नहीं खा रहे हैं, मूंगफली का व्रत वो लिया, तेल लिया, उसमें अच्छे से इनको फ्राई कर लिया. जब बहुत अच्छे से फ्राई हो गई तो ऊपर से फिर इसमें डाल दिया मसाला, और जो भी हम जो हमने मसाला पीसा था, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी इसमें मुट्ठी भर ऐसे जैसे छींटे मार के पानी डाल दिया, और यहाँ पर हमारी डिनर की प्लेट हो गई है तैयार, और हम खा रहे हैं अब खाना. चुप 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 देख रहे हो
ओए बाबा जी ओ नचेड़ी भैया सीधे होके बैठो पहले बेटा ये तो बहुत गंदी होती है ये कौन यूज करता है तेरे घर में तो कोई यूज करता नहीं है ये सैटरडे वाले दिन हमारे घर में थोड़ा रात तक चहल पहल होती है बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं नहीं तो नॉर्मली परी मिठू सारू को 9:30 10 बजे तक सुला देते हैं सुबह जल्दी उठना होता है अभी क्या है 11 बजने वाले हैं 11 बजे नहीं है तो बच्चों ने बोला हमें ये तुम्हारा नॉर्मल खाना नहीं खाना हमें कुछ अच्छा सा बना के दो तो मैंने बोला चलो तुम्हारे लिए मैं वाइट सॉस पास्ता बना देती हूँ तो ये वहाँ पर बच्चों ने मूवी चला ली थी मोहब्बतें गहिमा आजकल ना बच्चों को पुरानी मूवीज़ दिखा रही है हमारे टाइम की कह रही है आजकल तो कोई मूवी आती नहीं है मैं तुम्हें दूसरी पुरानी मूवी दिखाती हूँ तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था प्यार मोहब्बत वाली मूवी थी ना और यहाँ पर मैं किचन में बना रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता वाइट सॉस पास्ता जो कि परी को मेरे हाथ का बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है ये मैंने इसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो मैं किसी दूसरे व्लॉग में शेयर कर दूंगी और हाँ मुझे याद आ गया किसी ने बोला था कि छोले कुलचे की रेसिपी शेयर करो तो डियर अभी बन नहीं रहा है जिस दिन बनेगा उस दिन पक्का मैं यहाँ पे शेयर करूंगी दीदी ला रही है दी ला रही है फिर वो एक बार परी खा लेगी एक बार तू खा लियो ठीक है जस्ट एंजॉय योर फूड और एंजॉय कैसे करोगे जब अच्छे से मुंह में जाएगा ओके आज बच्चों का हो रहा है बढ़िया वाला सैटरडे सेलिब्रेट अभी बज रहे हैं रात के 10 पहले इन्होंने खाया पास्ता अभी ये जा रहे हैं अभी इनकी डिमांड है कहाँ जाने की ज्ञानी तो अभी हम जा रहे हैं 15 सेक्टर ज्ञानी अंधेरा हो रहा है लाइटें हो गई हैं बाहर की बल्ब अगर ज्ञानी बंद हो गया तो नहीं ज्ञानी 12 बजे बंद होता है 12 बजे हाँ आराम से अंधेरा हो रहा है बाहर बड़े मम्मा जब हम ज्ञानी चलो बैठो सारू मैं बैठूंगी आगे सारू बैठ थैंक यू सारू बैठ पहले छोटे बच्चों को बिठा परी बैठ बेटा हाँ बुनु को मैं ले लूंगी परी गरी में एक बार पकड़िए इसको इसको पकड़िए जरा गुड्डू को पकड़िए अरे रुक जाना मिठू पहले मैं सेटल तो कर दूँ सारू बैठ बेटा बैठो मिठू को बैठो मिठू बैठ वहाँ बैठो चलो चलो बैठो 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 बहुत गर्मी है बाहर तो माय डियर यूट्यूब फैमिली ये था मेरा आज का सैटरडे व्लॉग आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा हमारी ही तरह तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल